कितना? ये जो क्वेश्चन है सी सेल में बन ही नहीं सकता, इसका तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मैं हिंट दे सकता हूं, अगर आपको इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो सोचो कि यहां और ए और बी को आपने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी इस एंड से क्यू चार्ज देगी तो यहां से भी माइनस क्यू देगी, ताकि नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। फिर वो चार्ज क्यू सभी कैपेसिटेंस में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो कितना चार्ज दिया आपने क्यू, वो अलग बात है कितना डिवाइड हुआ, पर टोटल चार्ज तो आपने क्यू दिया। इसको अगर आप इनके पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो तो टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपको ए और बी का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। लो एक मिनट लो, दो मिनट लो। हिंट यही है, यहां से क्यू चार्ज आया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे क्यू बाय थ्री, क्यू बाय थ्री और क्यू बाय थ्री इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक वायर के आगे तीन पॉइंट हैं, तीन वायर जा रही है, तीनों वायर में चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। सिक्स सी बाई फाइव कुछ ऐसा ही है, ठीक कुछ ऐसा ही है। देखो इसके अंदर क्या करना है, एक स्पेशल टेक्निक है, ऐसे होगा नहीं जब तक आप एक बार देखोगे नहीं। मान लो क्यू चार्ज आया, ठीक है, क्यू चार्ज आया, तीन वायर्स में स्प्लिट होना है और तीनों के आगे कैपेसिटेंस एग्जैक्टली सेम है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, ताकि टोटल चार्ज रिमेन्स क्यू। पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया। फिर ये क्यू बाई थ्री आगे दो वायर्स में डिवाइड होगा, और क्योंकि आगे भी कैपेसिटेंस सेम है तो आधा इधर, तो इस पे कितना हो गया, क्यू बाई सिक्स एंड क्यू बाई सिक्स। सेम स्टोरी इस क्यू बाई थ्री के साथ, क्यू बाई थ्री आया, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और इक्वली स्प्लिट होगा क्यू बाई सिक्स एंड क्यू बाई सिक्स, बराबर बराबर। और सेम क्यू बाई थ्री आगे दो कैपेसिटेंस में स्प्लिट होगा और कैपेसिटेंस दोनों की एग्जैक्टली सेम है, तो यहां पर भी क्यू बाई सिक्स एंड Q by 6। अब आगे यहां से कितना चार्ज आ रहा है, Q by 6, यहां से कितना चार्ज आ रहा है, Q by 6, यहां से कितना आ रहा है, Q by 6। देखो ये जंक्शन है, Q by 6 प्लस Q by 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा, Q by 3 ऐड हो जाएगा, जंक्शन से अब चार्ज मिलेगा तो यहां ऐड होगा। सिमिलरली इधर से Q by 6, इधर से Q by 6, तो इधर से Q by 3, इधर से Q by 6 और इधर से Q by 6, तो इधर से Q by 3। अब चेक कर लो इस जंक्शन पे भी टोटल चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री एंड क्यू बाई थ्री, विच विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो जितना चार्ज यहां से आया क्यू, यहां से कितना चार्ज आया था क्यू, और यहां से बाहर भी कितना जाएगा अब क्यू, क्यू मीन्स ये प्लेट ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी होगी यहाँ पे और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है। तो चेक कर लो इधर से प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू यानी कि क्यू, इधर से माइनस क्यू माइनस क्यू बाई थ्री माइनस क्यू बाई थ्री यानी कि फिर से क्यू। ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये ना करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, उसमें ज्यादा क्लियर होगी थोड़ी सी, पर क्योंकि ये क्यूब वाला क्वेश्चन एचसी वर्मा के अंदर और काफी बुक्स के अंदर गिवन है
तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर आप लोग सोचोगे कि ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और कई बार मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कैपेसिटेंसेस की वैल्यू डिफरेंट है, मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यूज डिफरेंट हैं उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी इतनी, फिर Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, फिर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है वो तो आने से रहा, वो नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, वी ए से स्टार्ट करना है, वी ए ये रास्ता फॉलो करते हुए इधर आना है, तो वी ए प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, तो माइनस क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी, किरचॉफ लॉ ये किया था, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई थ्री बाई सी, फिर प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सिक्स डिवाइडेड बाई सी, फिर प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी मस्ट बी इक्वल टू कितना, वी बी। तो यहां से वी ऑफ ए डिस बाई दिस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका ड्रॉप हो गया, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं माइनस क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी, प्लस से माइनस में जा रहे हैं माइनस क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी मस्ट बी इक्वल टू वी बी। तो यहां से वी ए माइनस क्यू बाई थ्री सी क्यू बाई सिक्स सी क्यू बाई थ्री सी मस्ट बी इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई थ्री सी क्यू बाई सिक्स सी क्यू बाई थ्री सी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 6c, तो यहां पर सॉल्व करके क्या आएगा 5q। यहां से हमने क्या निकालना है, क्यू डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी, तो जब क्यू और वी ए माइनस वी बी एक तरफ रखोगे तो आंसर क्या आएगा 6c/5, तो आंसर इज 6c/5, क्योंकि आपको तो रेशियो निकालनी है क्यू डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी की, तो टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज टोटल कैपेसिटी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम करते तो अजीब लगेगी, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम रोज ये काम किया करेंगे तो आपको और थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक्सपीरियंस से कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगी जब तक कैपेसिटेंसेस आगे आगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी इक्वल इक्वल डिवाइड होता जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज देयर इज अ कैपेसिटर सी एंड अ कैपेसिटर सी एंड अगेन सी एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एक कैपेसिटर यहां पर है एक कैपेसिटर यहां पर है, ठीक इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में, क्या होगी फाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, नहीं इसका आंसर है 6c आ गया।
देखो सबसे पहली चीज, एटलीस्ट ये तो सबको समझ में आ ही रही है कि ये सी और सी किस में है, पैरेलल में, तो इसकी जगह टू सी लगा दें, तो इसकी जगह टू सी और इसकी जगह भी टू सी, तो यहां पर टू सी और यहां पर भी टू सी, ये लो, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, इसमें मान लो यहां का पोटेंशियल वी है, तो यहां का पोटेंशियल भी जंक्शन का वी है सेम। अगर ये वी है तो ये भी कितना वी है, अगर ये वी है तो इस प्लेट पे भी वी है, अगर ये वी है तो इस जंक्शन पे भी वी है, अगर ये वी है तो यहां पर भी वी है, ये वी है तो यहां पर भी वी है। मींस इस जंक्शन से जो भी पॉइंट्स इमीडिएट कनेक्टेड थे उसमें वी 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 सब पे कर दिया, ठीक हो गया यहां तक। और मान लो यहां का जंक्शन का अगर वी डैश है तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा वी डैश, ये भी कितना हो जाएगा वी डैश, ये वी डैश तो ये वी डैश, ये वी डैश तो ये वी डैश, ये वी डैश तो ये वी डैश, और ये वी डैश तो ये वी डैश, ठीक है यहां तक। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है, वी माइनस वी डैश, वी माइनस वी डैश, वी माइनस वी डैश, वी माइनस वी डैश, सारे के इसमें पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सारे के सारे पैरेलल में। और ऐसे कितने कैपेसिटर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, चार, पैरेलल में ऐड कर दें, 2C प्लस C प्लस C प्लस 2C, कितना आ गया 6C, तो आंसर इज 6 टाइम्स C। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, फिर एक और क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पर है कुछ ऐसे, एंड वन माइक्रोफेरेड, एंड लेट अस सपोज एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पर है कुछ ऐसे, और दिस इज 3 माइक्रोफेरेड, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, दिस इज 3 माइक्रोफेरेड, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, क्या है। आंसर नहीं है मेरे पास, चेक करता हूँ वो मिनट, 6/7 13/6 था? देखो सबसे पहले अगर यहां पोटेंशियल V है तो यहां का पोटेंशियल भी, तो यहां का पोटेंशियल भी V, 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 तो जो पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड थे बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो हर एंड पर V V V V,
सिमिलरली अगर यहाँ का पोटेंशियल वी डैश है तो यहाँ का पोटेंशियल वी डैश, यहाँ का भी वी डैश, यहाँ पे वी डैश और यहाँ पर वी डैश, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी डबल डैश, तो यहाँ का पोटेंशियल वी डबल डैश, यहाँ का पोटेंशियल वी डबल डैश, तो यहाँ का पोटेंशियल भी वी डबल डैश, यहाँ का पोटेंशियल वी डबल डैश। देखो हर पॉइंट प्लेट पे पोटेंशियल बना दिए मैंने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का तो मुझे पता नहीं कितना है, तो वी डैश ले लिया, ये वी डैश, तो ये वी डैश, तो ये वी डैश, देखो इससे इमीडिएट जितने भी प्लेट्स हैं सबके अक्रॉस वी डैश, ठीक है यहाँ तक। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस वी डैश, इसमें कितना है, वी माइनस वी डैश, तो ये किस में है, इन पैरेलल। ऐसे इसमें कितना है, वी डबल डैश माइनस वी डैश, वी डबल डैश माइनस वी डैश, तो ये भी किस में है, इन पैरेलल। तो आंसर आ गया ए 1 माइक्रोफेरेड, सी यहां से ये दोनों पैरेलल में है तो 3+3 क्या हो जाएगा 6, और ऐसी 3 वहां से 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, इस तरीके से। तो ये दोनों किस में है, इन सीरीज, तो 6 × 2/6+2 और इसके साथ किस में है, इन पैरेलल। तो नेट आंसर क्या आ रहा है, 5/2, ऐसे किया, ठीक किया, तो समझ में आ रहा है। आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस अब दिख रहा होगा कि सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन थोड़े और इजी होते जाएंगे, और भी इजी होते जाएंगे, क्योंकि अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर से, तो उसके अंदर तो बहुत ही क्वेश्चन है रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल पे, तो उसके अंदर और ज्यादा इजी होता जाएगा, ठीक है यहां तक। क्या पॉइंट क्लियर है, फिर एक और क्वेश्चन लिखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज देयर इज अ पॉइंट ए कैपेसिटर पी, कैपेसिटर सी, कैपेसिटर एक और कैपेसिटर, यहां से एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर एंड कैपेसिटर, ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड ओ, हर की कैपेसिटी सी है इसमें, हर की कैपेसिटी सी है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड ओ गिवन पॉइंट ए बी सी डी आर एट इक्वल पोटेंशियल्स, ए बी सी डी का पोटेंशियल सेम है, ए बी सी डी पॉइंट दिख रहे हैं, इनका पोटेंशियल सेम है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है पी और ओ के बीच में, और ये वाली वायर ये जो आ रही है पी से लेके डी तक ये हवा में बाहर आ रही है, ऐसे टच कर, इसे टच नहीं कर रही, ये वाली टच कर रही है, बी और ओ टच कर रही है, पी डी बाहर से आ रहा है,
देखो, सोच लिया क्या आंसर आया, कितना 2 बाय। अच्छा पहले एक बात बताओ, ए का, बी का, सी और डी का पोटेंशियल सेम कर दिया, कर दिया। तो फिर ये बताओ कि ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको लगा के क्या करोगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही है, उसकी चार्जिंग ही नहीं हो सकती, तो लगा के क्या करोगे, हटा दो। सिमिलरली ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है इसको लगा के भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और सिमिलरली डी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। चलो कुछ तो थोड़ा सा हट गए कैपेसिटर, कुछ तो हटे, समझ में आया यहां तक। जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वी एंड वी जीरो हो गया, तो उन कैपेसिटर, उन वायर को लगा के कोई फायदा नहीं है। पहला स्टेप आपको क्लियर है, अनिशा हटा दिया यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट अब ये बताओ, पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक, पी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, और पी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और क्योंकि यहां का पोटेंशियल अगर वी पी है तो इसके क्रॉस वी पी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस भी वी पी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस और वी पी माइनस वी पोटेंशियल, तो ये चारों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। चेक कर लो, पी और ए के बीच में, पी और बी के बीच में, पी और सी के बीच में, पी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ए बी सी डी सेम पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी और ए में, पी और बी में, पी और सी में, पी और डी में सेम है, तो चार कैपेसिटर्स किसमें निकलेंगे, इन पैरेलल। तो ऐसा करें, ये अगर पॉइंट पी है, पी के साथ चार कैपेसिटर्स लगा देते हैं, 1, 2, 3 और 4, कुछ इस तरीके से ये लो, और इस पॉइंट का नाम या तो ए रख लो या बी रख लो या सी या डी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी का पोटेंशियल सेम है। ये देखो, पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, पी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, पी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, सेम पॉइंट है, पी ए पी बी पी सी पी डी, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ये चीज क्लियर है। अब आगे देखो, ओ पॉइंट को देखो, ओ और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये तो वही बात होगी कि ये चार पॉइंट फिर से ले लेते हैं, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, और चारों के चारों किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ओ, ये देखो ओ के साथ ए कनेक्टेड है, ओ के साथ बी, ओ के साथ सी, ओ के साथ डी, सी 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 सी, समझ में आ रहा है, तो ये भी चार किस में, पैरेलल में, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। रीड्रॉ किया डायग्राम को फिर से देखो, पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, पी बी के बीच में, पी सी के बीच में, पी डी के बीच में, पर क्योंकि ए बी सी डी का पोटेंशियल तो सेम है, तो उनको एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, ए बी सी डी, ठीक, तो पी और ए, पी बी, पी सी, बी डी के बीच में एक एक कैपेसिटर है। सिमिलरली ओ और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, ओ और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, सेम डायग्राम बन गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, तो ये चार कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में 4C, ये किसमें पैरेलल में 4C, और ये किसमें सीरीज में 4C 4C, सीरीज में आंसर कितना आएगा, 2C, आंसर इज 2C। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि जो सेम पोटेंशियल्स, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स का सेम आएगा तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। डाउट है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, अगर अलग अलग होता, पी और ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पी और ओ के बीच में, हाँ फिर चार्ज निकालना पड़ेगा इसका, फिर यहां से लेके एक वो किरचॉफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना आ जाएगा, हाँ चार्ज यहाँ, ये डायग्राम सॉल्व करो ना, माल यहाँ ना करो ना, वहां कर लो, वो ज्यादा आसान डायग्राम है। आप इसमें पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, मान लो वी वोल्ट की बैटरी है,
सबके ऊपर चार्ज दे दो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकाल लो। इसमें मत करो, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि सर रीड्रॉ करके डायग्राम ज़्यादा ईजी दिख रहा है इसमें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक, फिर एक और क्वेश्चन लो, देखते हैं कौन करता है ये सॉल्व। सपोज दिस इज पॉइंट ए, कैपेसिटर सी, दिस इज पॉइंट, दिस इज वन मोर कैपेसिटर सी, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर एंड एक और कैपेसिटर और एक और कैपेसिटर, ये लो सी 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 सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी।
कितना? टू सी आंसर तो टू सी है, आंसर तो टू सी है। बस आप मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दो, इसी क्वेश्चन का आंसर दो रादर। आपका टू सी आया तो आया कैसे? वीट स्टोन ब्रिज से आया, ओके। फिर दूसरा आंसर दो, वीट स्टोन ब्रिज बिल्कुल ठीक पहचाना लोगों ने। आपने कैपेसिटर उड़ाया कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला। कितने लोगों ने बीच वाला उड़ाया? कितनों ने ये उड़ाया? सबका आंसर गलत है फिर, क्योंकि जैसे ही मैंने कैपेसिटर सी, टू सी, थ्री सी, फोर सी कर देता ना, आपका आंसर गलत हो जाता। बाई चांस आपका आंसर सही आ गया टू सी। अगर आपने ये उड़ाया तो आपने बिल्कुल ठीक किया। आप कहोगे ये कैसे उड़ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये दिख रहा है हमें, उड़ेगा तो ये, तो ये कैसे उड़ेगा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने सी बाई सी करके इसको उड़ा दिया, तो ठीक नहीं किया आपने। ठीक, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। सपोज यहां का पोटेंशियल कितना है? वी। यहां का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, और इस प्लेट का पोटेंशियल भी वी, इस प्लेट का पोटेंशियल भी वी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, एक चीज और, इस चीज का आंसर तो दे दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन क्यों नहीं रहा। मेरे को कैसे पता लगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है? कि कई लोग कहेंगे हमें तो दिख रहा है साफ साफ, सी बाई सी आंसर आ तो गया, हट गया। इसलिए नहीं दिख रहा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये एक, ये दो, तीन और चार ऐसे होता था, और बीच में क्या होता था, ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट ऐसे ही, और बैटरी यहां कनेक्टेड होती थी। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ऐसे जंक्शन के थे जहां बैटरीज कनेक्टेड है, और दो जंक्शन ऐसे थे जहां बैटरी कनेक्टेड नहीं है। मींस इसमें कुल मिला के एक जंक्शन ये बन गया, एक जंक्शन ये बन गया, एक जंक्शन ये बन गया, और एक जंक्शन ये बन गया, आपके सामने ही है। ठीक, कहने का मतलब, और हाँ, एक जंक्शन ये भी बन गया। कितने जंक्शन आ गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। कैसे बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज? पॉइंट है ये, देखो आपके सामने ही है, एक, दो, तीन और चार। ठीक, तो पांच मतलब कि कहीं और से भी, यहां से भी उसने वायर जोड़ दी, इसका मतलब ये हो गया। तो ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है? नहीं होता। ठीक है ना, तो इस केस को सॉल्व करने का एक तरीका है, ये बताओ कि यहां पोटेंशियल भी, यहां भी, यहां भी, दो मिनट के लिए इस वायर को यहां से डिटैच कर दो, हटा दो, इस वायर को यहां से यहां लगा दो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां से भी पोटेंशियल वी मिल रहा है और यहां से भी पोटेंशियल वी मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता इसमें। ठीक है, एक तार थी, तार को निकाल के यहां से लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहां से पोटेंशियल वी मिल रहा था, यहां से पोटेंशियल वी मिल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। अच्छा, इस कैपेसिटर को यहां ना लगाऊं, थोड़ा सा पीछे लगा लूं, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। यहां नहीं लगाया, यहां जहां मर्जी लगा दो, वो तो एक ही लाइन का पार्ट है, थोड़ा पीछे लगा दिया मैंने। ठीक, ये वायर बड़ी लंबी लग रही है मुझे, क्योंकि इस वायर के अंदर एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस वायर को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और कैपेसिटर लगा देते हैं, और कैपेसिटर ऐसे लगा दें, सी, एक ही बात है, इधर से घूम के तार क्यों लगानी, सीधी लगा दो सी, क्योंकि देखो ना, रूल तो नहीं वायलेट किया, ये भी वी है तो ये भी वी है, वो तो कोई वायलेशन नहीं हुई। अब मेरे को इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार और बीच का कैपेसिटर सी, ये बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं बना? ठीक है, ये कैसे हो गया? नहीं बनेगा तो सही, पर ये कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे भी तार को जोड़ के ऐसे कर देना है? ये तो प्रैक्टिस है, ये एक बार देखोगे, दूसरी बार सेम क्वेश्चन आएगा, अपने आप क्लिक करेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और कोई तरीका नहीं है। अगर अभी इधर से कोई आवाज आएगी, मेरे को पता लगेगा इधर से वी वी, जो ऐसे नहीं होगा यार। ये तो जब मैंने पहली बार किया तो मैंने भी किरचॉफ लॉ सॉल्व किया था बहुत बड़ी तरीके से,
तो फिर मैंने भी देखा इसका कहीं से शॉर्टकट है, ये तो बहुत सही शॉर्टकट लगा मुझे। तो अब मैं जब भी मेरे को कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलते हैं ऐसे, तो पहले मैं देख लेता हूँ वी वी कर करके कि कहीं इधर की तार उधर जोड़ के देख लें। ये तो रैंडम है, ये इसका कोई थंब रूल नहीं है कि यहाँ से हर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ से यहाँ कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कर करके, ताकि आपका जो ब्रेन है उस एंगल पे सोचना शुरू कर दे कि ऐसे भी कनेक्शन दिए जा सकते हैं। प्रैक्टिस है ये, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपके मन की फीलिंग कि आपको ऐसा फील होता होगा कि अब ये क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं, एंड ऑफ द लेक्चर है तो ऐसे अब एक्सेप्शनल क्वेश्चन तो एंड में ही होंगे ना। नॉर्मल क्वेश्चन तुम कर चुके हैं सारे सीरीज पैरेलल के, पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा आने चाहिए इसमें, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर अब ये सी बाई सी, ठीक, और ये सी बाई सी, ये जंक्शन थोड़ी ना, ये तो वायर मुड़ी हुई है सिंपल। तो सी बाई सी इज सी बाई सी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं। तभी शुरू में बोल रहा था कि जिन्होंने इसको उड़ाया वो बिल्कुल ठीक किया, और किसी ने नहीं उड़ाया, उन्होंने पता नहीं क्या किया। तो इस वजह से उनका आंसर वैसे ही बाई चांस सही आ गया। अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देता ना आपको अलग अलग, आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है यहां तक। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। जो आंसर आएगा आपस में इन तीनों तीनों किसमें हो जाएंगे, पैरल में। तो ये सी बाई टू, ये सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू और सी पैरल में, तो कितना हो गया, सी बाई टू प्लस सी बाई टू, सी प्लस सी, यानी कि टू सी, तो आंसर टू सी आएगा, ठीक है यहां तक। तो यही ट्रिक है कि इस वायर को उठा के जो यहां कनेक्टेड थी इसको ऊपर जोड़ दोगे तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा जो कि बैलेंस्ड होगा, ठीक। एक्सेप्शन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर में भी शायद ना आए, बट यू नेवर नो। मैं फिर कहता हूं क्या पता लगता है कौन से पेपर में क्या आ जाए, पता तो होना चाहिए एक्सपीरियंस से कि कैसे करना है, ठीक है यहां तक। तो आज के बाद इस टाइप का अगर लगता हुआ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज और ना निकले तो चेक कर लेना कि कोई वायर उखाड़ के यहां से वहां लग जाए तो शायद बात बन जाए, ठीक है ना। एक कनेक्शन तोड़ के दूसरे कनेक्शन में लगा लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, बुकलेट का पेज नंबर ओपन करना, वेंडीग्राफ जनरेटर। देखो किस पेज पे है वेंडीग्राफ जनरेटर, बुकलेट के अंदर है 50।